बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करे सरकार, अनुराग ढांडा। आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने कहा कि बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करे सरकार। वे घिलोड़ कला के सरकारी स्कूल का दौरा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2018 में कंडम घोषित कर दिया गया था घिलोड़ कला का स्कूल, फिर भी बच्चों की जान खतरे में डालकर सरकार चला रही है स्कूल। उन्होंने कहा कि सरकार की अनदेखी का गांव में जबरदस्त विरोध है। शहीद राजेश कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पर ग्रामीणों ने जड़ दिया है ताला, लेकिन खट्टर सरकार ने 5 साल के बाद भी नहीं बनवाया स्कूल। बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करे सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही सरकारी स्कूलों को बनाएंगे शानदार। इस मौके पर अनिल सरपंच घिलोड़ ने कहा कि सरकार को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम, वरना हाईवे पर लगेंगी क्लास। तो आज घिलोड़ गाँव में हम लोग आए हैं और यहाँ पे सरपंच साहब ने अभी पूरा का पूरा स्कूल हमको घूम के दिखाया है। क्या हालत है, जितने भी कमरे यहाँ पे, किसी की छत सलामत नहीं है, कोई कमरा बैठने लायक नहीं है, पूरी तरह से कंडम हो चुका। और आज नहीं, 2018 में कह रहे हैं कंडम घोषित कर दिया था इसको। उसके बाद से लेके अभी तक पहली क्लास से लेके 12वीं तक के बच्चे यहाँ पे कैसे बैठते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसका अंदाजा आप अपने आप लगा सकते हैं। गांव के लोग त्रस्त होके आज फाइनली ताला लगा दिया स्कूल पे कि भाई अपने बच्चों को मरने के लिए यहां नहीं भेज सकते। मैं जो बार बार एक बात कहता हूं कि ये सरकार, सरकारी स्कूलों को इन्होंने बाड़ा बना दिया। हमारे बच्चों को सवेरे जानवरों की तरह यहां रोकते हैं और शाम को छोड़ देते हैं। पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं, ना इनकी प्रायोरिटी में आती पढ़ाई। इसलिए सरकार से हमारी मांग है, या तो इस पे इमीडिएटली एक्शन लो। पहले भी आप लोग स्कूल बंद करते आए हो, इसके लिए लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगी अपने स्तर पे, जहां भी उठा सकती है। इसको सरकार को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेके यहां पे काम शुरू करना चाहिए। इस बिल्डिंग को बच्चों की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। और अगर ये अंधी बैरी बने रहना चाहती है सरकार, तो फिर ये भी जान लें कि सड़क पे उतरने के लिए लोग भी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं पूरी तरह से। एक्चुअली क्या सर है, ये जो हमारा सरकारी स्कूल है 1948 में इसका निर्माण हुआ था और 2018 में इसको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से डैमेज घोषित कर दिया गया, कंडम घोषित कर दिया। 2018 के बाद 20, 21, 22 कंटिन्यू हमारी तरफ से, स्कूल की तरफ से, वहाँ पे डी ओ ऑफिस में, बी ओ ऑफिस में, प्रिंसिपल मैडम के पास 2019 में इन्होंने एस्टिमेट बनवा दिया, एस्टिमेट बनवा दिया। और एस्टिमेट ऐसे गया, ऐसा धरागा धरारा गया, इन्हें कोई कार्रवाई नहीं। फिर मैं सरपंच बनने के बाद नवंबर महीने में दोबारा से मैंने इसके सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे, मैं डीओ ऑफिस में गया, डीओ ऑफिस में गया, उनके पास कोई फाइलें नहीं मिली, मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिले उनके पास। फिर उन्होंने क्या किया, जो मैंने फाइलें रखी थी 24-25 से डॉक्यूमेंट्स, जो भी जब जब एप्लीकेशन गई है मेरे डॉक्यूमेंट्स की, उन्होंने फोटोकॉपी ली। फोटोकॉपी लेने के बाद फिर डीओ साहब यहाँ आते हैं, दोबारा यहाँ एस्टीमेट बनता है। एस्टीमेट बना इसका, जो पुरानी बिल्डिंग है इसका 2.5 लाख से इसकी बोली स्टार्ट हो जाएगी और न्यू बिल्डिंग का 2.8 करोड़ रुपए का। उसके बावजूद दुष्यंत चौटाला जी आ रहे थे रुड़की गांव में दिसंबर के महीने में, 16 दिसंबर को मैं उनके पास सरकारी स्कूल का फिर एक लेटर पैड गाँव के लोग लेके गया, उन्होंने मार्क करके एडीसी को दे दिया। एडीसी साहब के पास गया, आज तक वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीओ मैडम के पास अभी दोबारा एस्टीमेट बनने के बाद मैं अभी छुट्टियों में गया 20 तारीख को, तो डीओ मैडम बोली मेरे को, अगर सर 1 तारीख को जैसे स्कूल ओपन होगा मैं आपके गांव में आती हूँ। 20 दिन आज स्कूल ओपन हुए होंगे, डीओ मैडम यहाँ आई नहीं। तो अब बच्चे पढ़े हैं बिल्डिंग में, इसमें बच्चे डैमेज वाली में बैठ नहीं सकते क्योंकि रिस्क किसका ले, ओपन में बच्चों को बिठाया जा है या किसी रूम में, प्राइमरी वाले रूम में, वैसे प्लस टू तक का है लेकिन जो प्राइमरी वाले रूम है उनमें क्लासों का ज्वाइंट मान लो फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक के बच्चों को एक ही रूम में इकट्ठा कर दिया जाता है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे अरे एक रूम में बैठेंगे तो कैसे उनका पढ़ाई हो पाएगी। वो ये नो नहीं कहा रहेगा उस साल में जिस तरह पर घेरन वाला वो काम हो रहा है। डीओ मैडम बोली बला भाई किसी एमएलए एमपी के तो सिफारिश करवा देगा ना,
तो आपकी बात से सरा चढ़ सका है, हमने पंचकूला भेज दी, मैं एमएलए एमपी आ गया कि हमारी बने ना बने, ठीक बात है भाई। जो एमएलए एमपी यहाँ पे बन रहे हैं मैं पसंद करे ना करे, जब डीसी साहब के पास आज तक 3 दिन पहले गया मैं, हम 20 से सरपंच थे रोहतक ब्लॉक से, किसी और काम से गए हुए थे, तो मैंने डीसी साहब को बोला मां सर मेरे जो सरकारी स्कूल है ना 2018 में डैमेज घोषित हो रखे हैं, और आज तक जाए उस बिल्डिंग में बच्चों को भेज रहे हैं ना, तो हम अपने रिस्क में भेज रहे हैं, गांव को लॉन्ग टाइम तक मैं नहीं रह सकता, मैंने जवाब भी देना वो है भाई, जिस दिन तू सरपंच पद पर खड़ा हो तू ना मैं स्कूल 6 महीने मनवा दूंगा, मैं गांव के सहमी जाकर फाइल खोलूंगा भाई, इस तारीख ने इस चीज को अप्लीकेशन दी थी, मेरे बस की बात को ना, फिर गांव जो भी डिसीजन लेगा ना मैं गांव के साथ हूँ। डीसी साहब बोले अरे वो तो एमएलएमपी के लेवल का काम ही नहीं है, इसने एडीसी साहब कर देंगे, उन्होंने ये शब्द बोल दिया, बट आज तक ना एडीसी वहां से ऑफिस से, ना डीओ ऑफिस से, ना डीसी ऑफिस से, ना सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से कभी भी हमारे पास कभी भी कॉल आई नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं, हमसे 20 धक्के खा लिया 40 खा लिया वो कोई मैंने, जैसे मैं तो 5-7 दिन पहले अभी कहीं बोलू ना मैं मानू ना मैं स्कूल थोड़ी पहाड़े बना दिए, तो अभी बाढ़ का सवेरे रोक दो शाम न काट लो उसको पढ़ाई पढ़ाई का, तो और अब इतनी बाढ़ देख रहे हैं या सरकार, अगर जय एक बंदू कह देना कि वाल्मीकि भवन हमारा खाली है, वो भवन में चाहे कोई रूम ना हो एक हॉल हो, ये 12वीं के बच्चे उसमें बैठा कर मैंने सारी उम्र पटा सका है या नीति है, क्यों ये नीति है भाई बंद कर जा, जिस गांव में मनरेगा खातर 250 मजदूर जाते हूँ और उस गांव के स्कूल में 114 बालक हूँ, उसका रीजन सिर्फ यू है अगर वो डैमेज घोषित करे कि मरण खातर कौन भेजेगा, और जो मनरेगा के 70 रुपए बीपीएल कार्ड जिस बालक के मन जा रू ने प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ रहा तो उसकी मजबूरी है, एक बार दिखा सकते हो? हाँ सर, मेरी गाड़ी में रखी है, ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन।